मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है फिलोसफी की कि साढ़े अपनी लाइफ च वाई हूँ जो आप इतने बैठे हैं वाई वी आर सिटिंग इन द मीटिंग दैन वी विल डेफिनेटली कम टू नो के हाउ टू डू इट। जे तुसी इतने मीटिंग जो बैठे हो जे तुहानू ये पता ना भी इतने क्यों बैठे हैं फिर तुहानू आ जाएगा पता लग जाएगा आने वाले टाइम के विच के उहनू करना किवें है। साड़ी जिंदगी वाई मिसिंग हुंदा क्यों करने हैं जां वाई मतलब वी आर नॉट श्योर अबाउट इट समटाइम्स वी फील के हाँ भाई इस वास्ते कर रहे हैं सम वन ये वास्ते कर रहे हैं समटाइम्स ये वास्ते कर रहे हैं अच्छा लोगों वास्ते कर रहे हैं। एक तो साढ़े बच्चे बड़ा होंगे सन लोगों को इन्नी शर्म आती ना अभी कहते लोगों करके दिखाना इनफैक्ट सोसाइटल प्रैशर इन्ना होंगे नहीं है साढ़ा बेटे सिख माइंड जरा ना सोसाइटल प्रैशर एक बहुत ही वही चीज़ बना लगता है तेरा की हाल है तू किस तरह किया अच्छा तू किस तरह पहुंचा इतने अच्छा तेरे तेरे घर की होंदा सीगा तो नैचुरली जो तुम किसी का पुछोगे तो ओदे विच तुहाडी हीलिंग होएगी ना ठीक है। यह हीलिंग प्रोग्राम है ही है हाँ तुम इस बैठ के ना लगेगा कि मेरी गल नहीं हो रही अच्छ पर कई बार तुम लगेगा हाँ यह गल तो मेरे घर भी होंगी है तो आते रहेंगे सीनज इस तरह के जिंदा रिलेट करोगे कई आएंगे नहीं पर अपने आप न उस वेले भी पूरा पूरा इतने रखना हेरा नाव च रखना जो तुहाडी गल नहीं भी हो रही वो तुहाडी ऑब्सैशन ठीक करन च मदद करेगा क्योंकि असी ना जनरली अपनियां तकलीफां अपनी लाइफ अपने फिक्स पैटर्न ते ना ऑब्सैस्ड हैगे आ किते ना किते यही साड़ी बीमारी का कारण है यही साड़ी पुअर मैंटल हैल्थ का कारण है। वी वॉन्ट टू लिसन अबाउट समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू अस कोई साडा तो मसला यह है तो तुम यह गल्ला करी जा रहे हो पर वो मसला कितने ना कितों पिछे जाके ना जुड़िया साड़ी गल ना होंदा हर मसले का ना एक विजिबल पार्ट होंदा एक इनविजिबल पार्ट होंदा असी हमेशा विजिबल पार्ट नूं देखदे हां सानूं सिर्फ जिहड़ियां दिसदियां ना चीज़ां जिवें हुण एक मोबाइल है ना इहदे एक मोबाइल एक वक्री चीज़ है मोबाइल के पिछे की स्टोरी एक वक्री चीज़ है हर चीज़ के पिछे एक वक्री स्टोरी होंदी है इस तरह ही ड्रग अडिक्शन के पिछे एक वक्री स्टोरी है सानू जिहड़ी दिखती स्टोरी वो नज़र आती है भाई बंदा पींदा पिया आ बंदे ने सिगरट लाई आ बंदे ने चैनी खैनी खाधी आ बंदा हुण नाराज़ हो गया हुण अब्यूज़ कर रहा है हुण मतलब हिट कर रहा है पर इहदे पिछे स्टोरी की चल रही है कभी पिछली स्टोरी देखो जिहड़ी इनविजिबल है जिहड़ी असी देख नहीं पा रहे जदों सानू इनविजिबल पार्ट ऑफ द स्टोरी दिखनी शुरू हो जाएगी ना फिर तुहाडी जिंदगी च इनफैक्ट चेंजेस आणगे बहुत वड्डियां चेंजेस आणगे। जदों भी इंसान तुहाडे नाल कोई गल कर रहा ना उहदे पिछे देखो भी उहदे पिछे चल की रहा क्यों वह गल करन दे मजबूर है जे तुहाडे नाल कोई लड़ रहा उहदे पिछे देखो उहदे पिछे की है क्यों लड़ रहा है। अक्सर तुसीं देखो जिहड़ा बंदा कंट्रोल कर रहा उह क्यों कंट्रोल कर रहा तुसीं तुहानूं कितना भैड़ा लगता है बंदा हर वेले कंट्रोलर है ये तुहानू अपने तरीके नाल चलाना चाहुंदा है ये तुहाडी कोई गल नहीं सुनदा ये अपने फिक्स आइडियाज़ दे नाल तुहानू जिंदगी जीन वास्ते मजबूर करता पर उहदे पिछे देखो कि उहदी पीड़ की है उहदी पीड़ा की है उहदे पिछे फीयर होएगा उहदे पिछे शर्म होएगी शेम होएगी वो शेम ते फीयर तो इन्ना डरिया होएगा कि वो जिहड़ा जिस बंदे नूं प्यार करेगा ना उहनूं कंट्रोल करना शुरू कर देगा। अच्छा जदों कंट्रोल करेगा तो अगला बंदा उहनूं ऑफेंसिव नहीं लेगा उहदे नाल की होएगा कि दोनों के विच कंफलिक्ट हो जाएगा जिहड़ा कंट्रोल हो रहा उहनू नहीं अच्छा लगेगा तो जिहड़ा बंदा कंट्रोल कर रहा उहनू यह लगेगा कि मैं तो इहदा भला चाह रहा जो मैं कहिंदा पिया इहदे भले वास्ते कहिंदा पिया इहदी लाइफ बचाण वास्ते कहिंदा पिया इहदी बर्बादी ना होए। अच्छा हुण इहनां दोनों चीज़ों के विचकार की होएगा आपस के नफरत आ जाएगी साढ़े घरां दे विच देखो सारी की सारी जिहड़ी ट्यूनिंग होई है ना इस तरह की होई है कि असीं सारे एक दूजे नूं सुधारन ते लगे हुए हैं सुधारण वास्ते ना सानू इको थ्यूरी आती है कि पहला किसी नूं गलत प्रूव करते हैं असी पहला किसी नूं रोंग कहांगे तो फिर उन्हूं कहांगे ना तैनूं राइट पाथ कहिड़ा है। अच्छा जदों असी पहला पार्ट कहने हैं ना कि यू आर रोंग ठीक है असी अगला पार्ट हले कहना हुंदा है कि दिस इज़ द राइट पर जदों असी कहने हैं ना दिस इज़ रोंग वट यू आर डूइंग वह बंदा उत्थे क्लोज हो जाता अपना शटर बंद कर देता ही व्यूअर्स दो ग्लासेस के वो तुहानू हुण सुनना बंद करता उन्हें तुहाडे नाल रिलेट करना बंद करता क्योंकि वो अंदर की ईगो आ गई वो अंदर के डिफेंस मैकेनिजम्स आ गए जिहड़े कि तुहानू नज़र नहीं आ रहे डिफेंस मैकेनिजम नज़र नहीं ना आते वो तुहानू क्लोज डाउन करता हुण तुसीं दसो हुण तुसीं जो मर्जी करी जाओ उन्हें तुहानू क्लोज करता उन्हें तुहाडा पत्ता कटता
ਹੁਣ ਘਰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਫਿਰ ਦੋ ਚਾਰ ਵਰਬ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਰਬ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਗੱਲ ਬਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਕਰ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਜ਼ਬਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਸੁਧਾਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਤਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਪੇਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗਲਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗਲਤ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਠੀਕ ਉਹ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਐਕਟਿੰਗ ਵਿਦ ਫੀਅਰ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਇਨਫਲਿਕਟਿੰਗ ਸ਼ੇਮ ਇਨ ਅਦਰ ਪਰਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਫੀਅਰ ਤੋਂ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਮ ਇਨਫਲਿਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੇਮ ਅਤੇ ਫੀਅਰ ਵਾਲੇ ਦੋ ਇਨਸਾਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਵੀ ਹੈਵ ਦਾ ਬੈਸਟ ਆਫ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ, ਬਟ ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਨੋ ਦਾ ਟੈਕਨੀਕ ਆਫ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਸਮਵਨ ਹੀ ਹੂ ਇਜ਼ ਆਰ ਲਵਡ ਵਨ ਬਟ ਹੂ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਅਸੈਸਿਬਲ ਐਂਡ ਡਿਸਕਨੈਕਟਡ ਯੂ ਫਰੋਮ ਹਿਸ ਲਾਈਫ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਹਿਸ ਓਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸ਼ੇਮ ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਇਨਫਰਾਇਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ, ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਚੇਂਜ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਨ ਮਰੋੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਈਕ ਕਦੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵਾਲਾ ਰੋਲ, ਕਦੀ ਜੱਜ ਵਾਲਾ ਰੋਲ, ਜੱਜਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕਰਤੀ, ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਿਕੰਮਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੋਨ ਕਿੰਨਾ ਡੇਂਜਰਸ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਫੋਨ ਇੰਨਾ ਡੇਂਜਰਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਫੋਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੈਲਫ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫੋਨ ਦਿਸਦਾ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੋਨ ਲਗਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਫਰੋਮ ਏ ਯੂਟਿਊਬ ਔਰ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਫਰੋਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੈਨ ਬੀ ਮੋਰ ਡੇਂਜਰਸ ਐਂਡ ਮੋਰ ਲੀਥਲ ਦੈਨ ਏ ਡਰੱਗ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਹੀਰੋਇਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਉਸ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਹੋ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਰਥ ਲਿਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਡੈਥ ਵਿਸ਼ਿਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਿਲ ਟੂ ਲਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਵਿਲ ਟੂ ਲਿਵ ਦਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਜੀ? ਮਤਲਬ ਵਿਲ ਟੂ ਲਿਵ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਲ ਟੂ ਲਿਵ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੀਣੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜੀਣੀ ਹੈ, ਔਖਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜੀਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਲ ਟੂ ਲਿਵ ਹੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਵਨ ਮੈਸੇਜ ਫਰੋਮ ਦਾ ਯੂਟਿਊਬ ਔਰ ਐਨੀਵੇਅਰ ਹੈਫਾਜ਼ਰਡ ਮੈਸੇਜ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਲ ਟੂ ਲਿਵ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਹੀ ਐਸੇ ਨਿਊਜ਼ਲੈਂਡਰੀ ਲਾਂਡਰੀ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੰਨੀ ਪੇਨ 'ਚੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਨੋਟ ਈਵਨ ਸੀ ਇਟ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮਈਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਪੇਨ, ਯੂ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਬਟ ਯੂ ਕੈਨ ਨੈਵਰ ਮਈਅਰ ਇਟ। ਜਸਪੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਇੰਨੀ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਣ ਕੱਲ੍ਹ।
डोंट ह्यूमिलेट आर पेशेंट्स. दे आर सिक, दे आर फिजिकली मेंटली वीक, बट डोंट हैव द तुसी अपनी सेंसेशन रिपोर्ट बनाने वास्ते साडे पेशेंट्स नू होर ज़्यादा मतलब नैगटिवाइज कर देना, स्टिगमेटाइज कर लेना, क्रिमिनलाइज कर देना, उन्हें क्रिमिनल ना बना दियो. सजेस्टिव थिंकिंग. हाँ जी, सजेस्टिव थिंकिंग जिवें सोशल मीडिया कर दिया जी. हाँ, बस उन्होंने की कहता जी, उन्होंने न्यूज़ है जो वह गल कहते हैं किसी एक सिग्निफिकेंट बंदे. वैसे तो देखो ये किसी वास्ते भी हूँ जिमें शाहरुख खान का बेटा सीगा या कोई भी एक्टर एक्ट्रेसिस है, उन्होंने कॉस्ट साढ़े तो भी ज़्यादा पे करनी पैंती है. इनफैक्ट दे हैवन कमिटेड एडा वड्डा भी कोई उन्होंने फॉल्ट नहीं होंदा जिनी उन्होंने नाल दीपिका के नाल या बाकियों के नाल उन्होंने किया होंदा. सो एवरीबडी हैज़ इज एन इंसान. तो आफ्टरऑल जिन्ना मर्जी कोई सिग्निफिकेंट बंदा है कोई सैलीब्रिटी होएगा, बट है तो एक्चुअल इंसान ही है ना. वो भी उस तरह ही बच्चे, वो भी वाइफ है, वो भी सेंटीमेंट्स उंजी हर्ट होंगे है, वो इमोशनल रेगुलेशन भी इस तरह ही है. वो हो सकता है किसी स्टेज पर इमोशनली वीक हो जाए, हो सकता है तुहाडी किसी स्टेटमेंट करके वो अपने आप नूं हार्म कर ले. सो सानू कोई राइट नहीं बनता किसी बारे भी कोई जजमेंट पास करनी है. एंड असी जजमेंट भी देखो इतों तक पास करते हैं विदाउट एनी ट्रायल. कोर्ट एक पासे चल रही होंदी है, साडा मीडिया एक पासे चल रहा होंदा. कोर्ट दे विच कोई हले कोई नहीं होया होंदा, प्रूव नहीं होया होंदा. साडे मीडिया ने पहला ही सारा इनवैसटीगेटिव करके इनवैसटीगेटिव जर्नलिज्म दे नां ते वो कोर्ट्स नू इन्फ्लुएंस कर लिया होंदा. तो ये दिखा देंगे कि मासिस जिहड़ी है इनू हॉन्ट कर रहे है. इहदा मतलब कोर्ट का जिहड़ा जज है ना वो भी समटाइम्स गैट्स इन्फ्लुएंस बाय द कोर्ट्स द मीडिया वर्डिक्ट कि जिधर लोग ज़्यादा है चलो मैं उधर की जजमेंट दे दूँ. सर अभी रशिया और यूक्रेन पहले से ही थर्ड वॉर बोल गया अभी तक थर्ड वॉर वॉर नहीं है. हाँ, तो हमने पहले ही, हाँ अभी एक इन्वेजन ही हुआ है. दूसरा सर, कभी अपना ये मीडिया वाले ने, मीडिया वालों ने कभी ये नहीं बोला कि दीज प्रॉब्लम्स आर ट्रीटेबल, रिवर्सिबल, यू नो मीन अ पर्सन कैन लिव बेटर लाइफ आफ्टर गेटिंग ट्रीटमेंट. आई हैवंट सीन एनीबॉडी डूइंग दैट. नहीं, कभी नहीं बोला. उसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं है ना जी. नोबडी वांट, मतलब किसी को कि कोई ट्रीटेबल डिजीज है, इट्स ए डिजीज. हुन जे मेरे को कोई पूछेगा मैं कहूंगा जी इट इज ए डिजीज, इट्स ए डिजीज ऑफ द ब्रेन. द ब्रेन गैट्स इन टू डिसऑर्डर, वो कुछ कैमिकल्स ब्रेन से होंगे जो डिसऑर्डर हो जाते हैं. जो वो डिसऑर्डर हो जाती है वैदर बिकॉज ऑफ ड्रग्स और विदाउट ड्रग्स, अच्छा जो हो जाते हैं तो यदा मतलब है कि वह इंसान जो कहता वो कर नहीं पाता, जो सोचता वह भी नहीं कर पाता, जो वो इंटेंशन होंगी उस तरह कर नहीं पाता. अच्छा वह कहता है कि मैं अच्छा इंसान बनूंगा, मैं अच्छे काम करूँगा, मैं किसी प्यार करूँगा, पर वो अनोइंगली ही स्टार्ट टू हेट समवन एंड वो ड्रैग हो जाता है किसी भी इंपल्सिव एक्ट के अंडर. अच्छा इंसान किसी इंपल्सिव एक्ट के अंडर कोई गलत कदम चुक लेंदा, उहदे नाल उत्ते लेबल लग जाता है, आइदर ही बिकम्स ए क्रिमिनल और ही बिकम्स रिटन ऑफ फ्रॉम द सोसाइटी. उहदे करके की हुंदा कि वह फिर बंदा सारी उम्र हॉन्ट करती रहती है उहनूं चीज़, तो उहदी कॉन्शियसनैस ब्रेक करती रहती है. फिर एक दिन वह थक जाता है, जो थक जाता है तो फिर वह मतलब उहनूं हैल्प नहीं मिलती. रादर दैन कि उहनूं हैल्प मिले, साडे पेशेंट्स के नाल हैल्प कितने मिलती है, नहीं मिलती हैगी. है देखो सिंपल थ्यूरी है, जिवें हुण तुसीं कह रहे हो ना कि साडे घर दे विच एक जेनेटिक प्रॉब्लम है कि वी आर ऑल प्रीडिस्पोज टू एंजाइटी, राइट. दैट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रीजन कि जिहड़ी फैमिलीज दे विच स्ट्रैस टॉलरेंस घट होएगी जेनेटिकली, दे आर प्रीडिस्पोज टूवर्ड सम सॉर्ट ऑफ एडिक्शन, क्योंकि उन्होंने कोई भी शॉर्ट टर्म सोल्यूशन चाहिए होंदा, आइदर ड्रग्स और अल्कोहल और एनीथिंग और सिगरेट और मे बी एसोसिएशंस, अनहेल्दी एसोसिएशंस, पार्टी टाइम, फन टाइम, लॉन्ग परसिस्टिंग, कुछ ना कुछ इस तरह का करी जाना ताकि बेचैनी ना आए. हुण देखो एक बेचैनी नू दूर करन वास्ते कोई असी शॉर्ट टर्म सोल्यूशन लभ्या, जिहड़ा शॉर्ट टर्म सोल्यूशन असी लभ्या वो साडी बॉडी ने रिजैक्ट करता. जदों साडी बॉडी ने रिजैक्ट किया तो साडे अंदर टॉक्सिनस बनने शुरू हो गए, जहरीले मादे बनने शुरू हो गए. जिहड़े टॉक्सिनस बनने शुरू हो गए उन्होंने पहला साडे लिवर ते सारी सिस्टम नू खराब करता, ते साडे अंदर एक इस तरह की गैसिंग गैसिस प्रोड्यूस करती जिहड़ियां साडे ब्रेन नू चढ़ गईयां. ब्रेन नू चढ़न करके साडा ब्रेन जिहड़ा सुन हो गया,
ਤੇ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ 100 times ਵੱਧ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਡੀ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਬੇਚੈਨੀ 100 times ਵੱਧ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਇਰੀਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਰੈਸਟਲੈਸ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾਏਗਾ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲਏਗਾ ਉਹਦੀ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਟੌਕਸਿਨਸ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾ ਉਹਦਾ ਆਸ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲੀ ਸਿੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਤੰਗ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਤੰਗ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਟੌਕਸਿਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਤੰਗ ਆਪਣੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਨਾਲਦੇ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋਣਗੇ, ਘਰ ਦੇ ਤੰਗ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਤੰਗ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਤੂੰ ਡਰੱਗ ਬੰਦ ਕਰ, ਡਰੱਗ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਡਰੱਗ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਵਿਵਹਾਰ ਤੇਰਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਡਰੱਗਸ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਡਰੱਗ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੰਗ ਦੋਨੋਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਤੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਤੰਗ ਹੈ, ਤੰਗ ਦੋਨੋਂ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਬਟ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਨਾਇਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਇਹ ਡਿਨਾਇਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਡਰੱਗਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਇਹ ਡਿਨਾਇਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਡਰੱਗ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੰਗੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਰੱਗ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਤੰਗੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਇਰੀਟੇਟ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਡਿਨਾਇਲ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੋਟਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਔਖਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਇਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰਕੇ ਔਖਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੰਗ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਦਦ ਮੰਗੇਗਾ, ਠੀਕ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਚਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਉਦੋਂ ਇੰਟੋਕਸੀਕੇਟਡ ਸਟੇਜ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਫਿਰ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਯਾਰ, ਐਡੀ ਵੀ ਕੀ ਕਮਿਟਡ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਬੜੀ ਪਰਖੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਆਲਮੋਸਟ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਧੋਖਾ ਦੇਵੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਡਿਨਾਇਲ, ਯੂ ਸੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਟਰੱਸਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਡਰੱਗਸ 'ਤੇ ਬੜਾ ਟਰੱਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਟਰੱਸਟ ਟੁੱਟਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਘੱਟ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਪ੍ਰੋਨ ਹੈ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੱਚ ਮੋਰ ਡਿਫੀਕਲਟ ਟੂ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਪ੍ਰੋਨ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾ ਕਿਰਕਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬੇਚੈਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੇਚੈਨੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, 3-4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੰਟੋਕਸੀਕੇਸ਼ਨ ਸਟੇਜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹ ਟੌਕਸੀਸਿਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਟੋਕਸੀਕੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾ ਕਿਰਕਰਾ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਸੁਣਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਏ ਨਮ ਸਟੇਟ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੂਪਰ ਸਟੇਟ 'ਚ, ਸੁਣਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਫੇਸ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਚਿੜਚਿੜਾ ਫੇਸ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਉਤਰ ਗਈ ਹੈ।
ਸੋ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰੇਨ ਕਿੰਨਾ ਕੰਪਰੀਹੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਔਖੇ ਤੇ ਗਈ ਹਾਂ, ਥੱਕੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਥਡ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਦੇਖ ਹੀ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਸਰਚ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਬੇਸਡ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੱਕ ਘੱਟਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫੀਅਰ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਿਠਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਫੀਅਰ, ਉਹ ਘੱਟਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੋਗੇ, ਡਿਸਕਰੇਜ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸਤਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਕਿਆ, ਹਮਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਤੋਂ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਜਨਰਲੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕਾ ਯੇ ਹੈ ਕਿ 90% ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜੋ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਨਕਾ ਤੋ ਲਿਵਰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਪੇ ਹੀ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਪੇ ਹੈ, ਕਭੀ ਉਨਕਾ ਕਾਊਂਟ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਕਭੀ ਉਨਕਾ ਪਲੇਟਲੈਟ ਕਮ ਹੋ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਕਭੀ ਉਨਕਾ ਬਲੀਡਿੰਗ ਟਾਈਮ ਬੜ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਕਭੀ ਪੈਂਕਰੀਆਸ, ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਸਰੋਟਿਕ ਲਿਵਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਪੇਟ ਸੁੱਜਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ, ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਘਰ ਲਿਜਾਓਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਖੜੋਗੇ? ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਵਰ ਵਾਲੇ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਖੜਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਵੇਸਟਡ ਸੋ ਮਚ ਟਾਈਮ ਗੈਟਿੰਗ ਲਿਵਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਡਨ, ਵਨ ਆਫਟਰ ਦਾ ਅਦਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਐਡਮਿਸ਼ਨ, ਦੋ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਤਿੰਨ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਲਿਵਰ ਅਗੇਨ ਆਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ 'ਚ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ, ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਠੰਡੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬਸ ਯਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਘਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਘਰ, ਮਤਲਬ ਐਟਲੀਸਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਸਹੀ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਘਰ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੇਂਜਿਸ ਲਿਆਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਈਗੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਈਗੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾ, ਸਿਆਣਪ, ਸੋਸ਼ਲੀ ਐਕਸੈਪਟਡ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਦਾ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਗਿਲਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਜ਼ਬਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਚਲੋ ਇੰਚ ਦੋ ਇੰਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਦੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਟੇਬਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਗਏ ਨਾ, ਉਡੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਨਿਕੰਮਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਆਸਪੈਕਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਮੂਡ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਚੈਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੈਲਫ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸੈਲਫ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਬੋਡੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੈਕਟਰ ਡਿਫੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਰੈਕਟਰ ਡਿਫੈਕਟ ਚੰਬੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਜੱਜਮੈਂਟ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਵਿਦ ਲੋਟਸ ਆਫ ਕਰੈਕਟਰ ਡਿਫੈਕਟਸ ਵਿਚ ਹੀ ਡਜ਼ੰਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹੈਵ, ਬਟ ਅਨਕੋਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਬੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਕੈਰੀ ਔਨ ਦਿਸ ਫਾਈਟ ਹੀ ਕਵਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਇੰਨੀ ਡੈਸਪਰੇਟ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ
एक मतलब स्टोरी कट शॉर्ट के फिर तुसी ट्रीटमेंट वास्ते सीरियस हो जाते हो ते ऐनी मैं कहता कि एक बार तुसी ट्रीटमेंट वाए वन टाइम ट्रीटमेंट इज़ नॉट डन इट इज़ लाइफ लोंग ट्रीटमेंट तुसी तैयार हो जा नहीं तैयार तुसी सुनना चाहते हो नहीं सुनना चाहते बट रियलिटी यही है कि जिन्ना आज दे दिन जो हो सकता उन्ना करा लीए बाकी कल सही बाकी अगली बारी सही कई बार होंगे सारा एक बारी नहीं ठीक हों बट जिन्ना हो गया उन्ना ही सही 5% हो जाए 10% हो जाए इस गल ते ना डिसपॉइंट हो कि 100% नहीं बंदा ठीक होया देखो 100% नहीं भी ठीक होएगा ना मैं तो यह कहूँगा कि जे इंसान 33% चेंज हो गया ना तो थोड़े अंदर भी 33% चेंजिज आ गया ना यू शुड बी मोर दैन सैटिस्फाइड थोड़े अंदर 33% चेंजिज आ जा 33% चेंजिज के नाल अपने अंदर लिया के सैटिस्फाइड हो जाओ कि मैं काफ़ी हद तक अपने अंदर बदलाव कर लिया है ना तो थोड़े अंदर के भी तो करैक्टर डिफेक्ट्स होंगे है ना फैमिली के अंदर भी करैक्टर डिफेक्ट्स आ जाते हैं जो उन्होंने रोकती है रातां जागती है खाना नहीं खाती ड्रैसअप नहीं होंगी जिस तरह मैम अज हो असी अपना भैड़ा जहा हाल बना के रखते हैं तो असी ब्यूटी पार्लर नहीं जाते असी अपना बिल्कुल हाइजेनिकली कई बार नहाते भी नहीं कई बार दाल रोटी भी नहीं खाते अपने खाने भी स्किप करी जाने जो तक साड़ा पेशेंट नहीं ठीक होएगा असी खाना नहीं खाना असी डाइटिंग ते चले जाना असी आ करना असी वो करना वो सारे काम कर कुट के असी अपनी सेहत भी वाहवा खराब की होंगी है किसी का ब्लड प्रैशर की दवाई नहीं खा रहा हों कोई थायरॉयड की दवाई नहीं खा रहा हों कुछ खाने के भी उल्ट पुलट होया हों तो मतलब चिड़चिड़ा जहा हो जाता बंदा मैं तो देखे मेरे पेशेंट के जी फैमिलीज़ है ना जनरली दे आर डिप्रैसड दे आर एंशियस दे आर हैविंग ए स्ट्रगल ऑफ देयर ओन वो भी एक सिक पेशेंट बन जाते हैं सो जे कि अपना ही इलाज करा लैन चलो अपना पेशेंट तो करा आई है तो कोशिश करन कि इतने बैठ के अपना ही ट्रीटमेंट करा लो तो 33% ऑफ द जॉब इज़ डन एंड यू शुड बी सैटिस्फाइड कि आप जिते गए थे 33% इलाज हो गया पास मार्क्स हो गए बाकी अगली बारी सही फिर चांस मिलेगा फिर सही ये नहीं करना कि बस नचोड़ के उन्होंने पूरा पूरा ला के जड़ा कि साडा पहला विचार होंदा भी अज तो मैं इनू छड़ के जिवें पंजाब की पॉलिटिक्स कहती है कि असी पंजाब नू ड्रग फ्री करके ही रहना यदि लत तोड़ के रहना यदि लक तोड़ के रहना इतों तक कि आप गुटकियां के उपर हाथ रख के कहने कि असी पंजाब की कर रहे हैं वट वी आर डूइंग कह सकते हो तुसी गुटके के उपर हाथ रख के पंजाब चो डायबिटीज़ खत्म कर देंगे पंजाब चो कार्डिक प्रॉब्लम्स खत्म कर देंगे पंजाब के अज तो बाद CVA नहीं होएगा नहीं हो सकता जिहड़ी चीज़ां कित्थे देखो असी कि ड्रामाटाइज करते हैं एंड साडे भोले भाले लोग उन्होंने गल्लां च आ जाते हैं कि गुटके के उपर हाथ रख्या जी ये पक्का करेगा नहीं कर सकता जिहड़ा तुसी काम कर नहीं सकते गुटके ते हाथ रख के साडा पेशेंट भी तो गुटके ते रोज़ हाथ रखता तो किन्ने को गुटकियां दी वो मतलब गल सुनदा साडे पेशेंट दे वास्ते गल नहीं हुंदी है जदों गुटके ते हाथ रख रहा है जां मत्था टेक रहा है जां पग रख रहा तुहाडे ना उहदे वास्ते गल नहीं है डिसअपॉइंट ना हो सो इह सारी किते ना किते साडे आस पास सब कुछ हो रहा है पर मैं इह कहिंदा कि असी जिथों शुरू करिए ना जे सब तो पहला स्टैप इस प्रोग्राम का है वर्किंग ऑन मी फस्ट एंड वर्किंग ऑन मी फॉर एवर फिर तुसी जिथे भी है कि जड़ी भी पोजिशन चो अपने ते काम करना शुरू कर दो वो दे नाल तुहाडा 33% रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा तुसी पेशेंट नू छड़ दिओ हले पेशेंट नू एक ट्रीटमेंट सेंटर ते लै आओ ना उहदा ट्रीटमेंट हो लैन दिओ प्रॉपर हो लैन दिओ तुसी अपने ते काम करना शुरू कर दिओ जदों तुसी अपने ते काम करोगे ना तुहाडे तुसी साडे वास्ते एक इलाज दी जिहड़ा तजर्बा है ना उहनू कामयाब बनाउण च तुहाडा रोल पूरा हो जाएगा जो तुसी अपने ते काम करोगे नैचुरली यू विल हैव फेथ ऑन अस यू विल हैव ट्रस्ट ऑन अस एंड यू विल सपोर्ट अस इन दिस प्रोग्राम एटलीस्ट तुसी ते असी एक पेज ते हो जाएंगे एंड पेशेंट कोई बहुत ही वड्डी गल नहीं पेशेंट साडे ऑन दी पेज आ जाते हैं अक्सर गैप साडी फैमिली हुंदी है विचों सो किसी का कोई क्वेश्चन किसी की कोई क्लैरिफिकेशन नंबर वन आपने अपने आप पे काम करना है ठीक है अपनी इमोशंस पे काम करना है आई नो इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट थिंग एज इफ यू हैव टू टेक द
मतलब एक आपके लिए एक पूरा मिशन है ना, लेकिन आपने सबसे पहले अपनी केयर करनी है, फिर बच्चों की भी केयर करनी है, और डॉक्टर साहब को रिमाइंड कराते रहना है, मतलब उनको रिमाइंड कराते रहना है कि हम ट्रीटमेंट में हैं, ये हम क्यों छोड़ रहे हैं, वाई, आपको वाई पता होना चाहिए। और आप हमेशा से ये ना कहें कि आपने ये करके छोड़ना है, अगर आपने ना किया तो मैं ऐसे करूँगी, ऐसी कोई मतलब थ्रेटनिंग कुछ नहीं देना। लेट हिम डू हिज बेस्ट, द ओनली वे आर पेशेंट्स लर्न इज वट इज़ द बेस्ट वे फॉर देम इज व्हेन दे सफर अ लॉट। दुनिया में कोई भी सफरिंग पेन के अलावा कोई भी बड़ा टीचर नहीं है। आप जितना मर्जी समझा लो, आप जितना मर्जी कंट्रोल कर लो, आप जितना मर्जी उसके आसपास गार्ड रख दो, आप जितना मर्जी अब्यूज़ कर लो, वो पेशेंट को कभी ठीक नहीं कर सकता। द ओनली थिंग विच पेशेंट कैन ओनली रियलाइज द बॉटम इज व्हेन ही गोज टू सर्टन पेन। ठीक है, वी विश दैट ही शुड डू वेल, लेकिन बहुत बड़े चांसेस होते हैं कि कई बार पेशेंट जाने के बाद अपने ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है, पुराने सर्कमस्टांसिस में जाता है, एसोसिएशन बनती हैं, और समटाइम्स वो उसको प्रोग्राम जो है वो किसी टाइम पे एबसेंट हो जाता है। मोस्ट ऑफ आर प्रोग्राम जो करते हैं ना लोग, वो विल पावर से काम करना चाहते हैं, विल पावर से, और विल पावर किसी टाइम भी एबसेंट हो जाती है। हमने स्किल पावर इसलिए नहीं सीखते क्योंकि हम विल पावर का पल्ला नहीं छोड़ते। तो एक दिन हमारे पेशेंट को ये पता चलेगा कि विल पावर का इसमें, इस बीमारी में कोई काम नहीं है, तो फिर वो स्किल पावर में आ जाए और फिर फेलोशिप को इंजॉय करेगा, और फिर उसको हम अच्छे लगेंगे, हमारा हॉस्पिटल अच्छा लगेगा, कहीं ना कहीं हम फिर रोल में आ जाएंगे। तो ये होगा सब, लेकिन आपने ये काम करना है, आपने इसमें तड़का नहीं लगाना। जो सब्ज़ी बन रही है बनने दो, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सी दैट सब्ज़ी अपने सामने गलत बनती, लेकिन हमने तड़का, हमने इसमें कोई अपने तरफ से कोई ऐड ऑन नहीं करना। ठीक है, बी इन कॉन्टैक्ट विद मी, बी इन कॉन्टैक्ट विद माई काउंसलर्स, बी इन कॉन्टैक्ट विद जसबीर सिंह जी, वी विल हैव टू वर्ड्स एडवाइस, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। कुछ भी होगा, कुछ भी हालात होंगे, हम आपके साथ हैं। तो आपने डर के नहीं काम करना, प्यार से करना। डर से करेंगे तो फिर ये काम नहीं ठीक बनेगा। आपने अपने मन से डर निकाल दें और प्यार से करें काम। ही इज़ अ पेशेंट हु इज सफरिंग, मतलब आपका काम है कि वो आपका हस्बैंड है। ठीक है, वो आपको तकलीफ होती है जब वो कोई ऐसा काम करते हैं, लेकिन ही इज़ अ पेशेंट ऑल्सो, दैट इज़ हिज सिम्टम्स, जो कर रहा होगा वो सिम्टम्स है। अगर हम इंटॉक्सिकेशन स्टेज में उसको कुछ भी बोलेंगे तो वो और ज़्यादा रिएक्ट करेगा। जब वो इंटॉक्सिकेटेड होता है उसके बाद वो नेक्स्ट डे सफ़र कर रहा होता है, वी जस्ट हैव टू पोलाइटली पुट ए मैसेज, एक मिनट में आपने मैसेज करना है कि मेरे को रात आपकी तकलीफ देख के बड़ी, मेरे दिल को बड़ी तकलीफ हुई, एंड मैं आपकी वाइफ होती हूँ इसलिए मुझे भी बहुत तकलीफ़ हो रही है आपकी ये हालत देख के, आई नो इट इज़ आउट ऑफ योर कंट्रोल, बट आई एम रेडी टू, आई एम ऑलवेज विद यू। ठीक है, तो आई विल सपोर्ट यू इन योर ट्रीटमेंट, वेन एवर यू फील लाइक यू कैन लेट मी नो, आई कैन गो विद यू। मतलब एक मिनट में बात कंप्लीट करनी है, एक मिनट से ज़्यादा नहीं आपने बात करनी, और उसमें कोई भी इमोशंस नहीं होने चाहिए जो आउट ऑफ कंट्रोल हो, वेल बैलेंस्ड, विदाउट एनी नेगेटिविटी, विदाउट एनी रिजेंटमेंट, ऐसी चीज़ें बीच में ना आए। तो उसको, पेशेंट को ना ये पता चलना चाहिए कि इनके दिल में तकलीफ हो रही है, मतलब होती तो दिल में ही है, लेकिन हम कई बार उस तकलीफ को उस मतलब उसको उसको एक्सप्रेस करने में हम पूरा अपना वजन नहीं डाल पाते। एक्सप्रेस करने में भी उतनी तकलीफ की दिखनी चाहिए तो वो हमारे पेशेंट को पता चलता है। आप फिक्र नहीं करो, सब कुछ ठीक होगा। जो हमारा पेशेंट कह रहा है ना कि तू चले जा, तेरे नाल नहीं रहना मैं, तू निकल ही जा, वो बेचारा कह रहा है कि भाई तू किस तरह मैनू, मतलब कहना नहीं है मैं चली हाँ, ये नहीं कहना कि मैं चली हाँ, अच्छा तुम क्या सी जाओ तो मैं चली हाँ, पर उनको मैं तेरे नाल ही रहना है, कोई नहीं मैं तेनों ठीक करना, एंड इट इज़ माई ड्यूटी कि मैं तेनों ठीक करना है, तो आई वुड लाइक यू टू टेक ऑन द ट्रीटमेंट सीरियसली। कोई ना कोई अनट्रीटेड एडिक्शन रह गई होगी जिस करके तो सफ़र करें।
ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਡਿਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਂ ਅਨਟ੍ਰੀਟਡ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰਟ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਚੈਸਟ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਣੀ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟਰੀ ਬਲੋਕ ਸੀਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਲੋਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ, ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ? ऐसे है ना, हमें भी कई बार आदत पड़ जाती है इनसिक्योर रहने की, थोड़ा सा स्पीशियस, थोड़ा सा इनसिक्योर, ये हमारा अपने पे कॉन्फिडेंस कम है, ठीक है। तो अगर मतलब आपको अपने प्यार पे, अपने अपने बॉन्ड पे, अपने रिलेशनशिप पे ट्रस्ट करना है, अगर कोई मिल भी गया होगा या मिल गई होगी तो वो चली जाएगी, ठीक है। आप फियर से ऑपरेट ना करें, आप अपनी लव और बॉन्डिंग और प्लेइंग टाइप ऑफ हस्बैंड है उसके साथ बेस्ट टाइम अवेल करें, और डोंट पुश हिम टू के भी उसने घर में रहना पसंद है तो हमने उसको बाहर निकालना ही निकालना, जब वो बाहर निकलेगा तो हम कहेंगे ये घर पे रहे, तो उसको रहने दें जैसे वो कंफर्टेबल है ना, लेट हिम बी देयर। एक दिन वो आपको बताएगा कि चलो, उसको थोड़ा सा ना, ही इज लिटिल कॉन्शियस अबाउट हिज ट्रेमर्स, तो दैट इज वाई ही इज नॉट कंफर्टेबल इन द सोसाइटी, ही फील्स के भी मेरे को नोटिस करते हैं लोग, ठीक है। मुझे सुन के लग रहा है कि ही इज डूइंग हिज 33%। यस, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई, वो 100% नहीं कर पा रहे हैं, ही इज नॉट एबल टू। अच्छा चलो, यू नो हम मूवी में चलते हैं या नहीं करते, ही इज डूइंग नॉर्मल 33% डेली। लेकिन मेरा जिम ब्रेन आ जाता है ना, मुझे मतलब करता है। हां, आप जो मुझे ये कहता है कि ऐसा नहीं होता है, सर ये फैमिली के लिए नॉर्मल है, फैमिली के लिए ये नॉर्मल है, ये फियर से ऑपरेट करना, जैसे पेशेंट गुजर रहा है फैमिली ने भी इस प्रोसेस से गुजरना है, और धीरे धीरे ही कॉन्फिडेंस आता है, पहले दिन नहीं आता, पहले 6 महीने भी नहीं आता, पहले साल भी नहीं आता, पर वो धीरे धीरे ही आता है, धीरे धीरे आपका फेथ और होप जब बढ़ता है तो फियर घटना शुरू हो जाता है, ग्रैटिट्यूड बढ़ता है, जैसे वो इतनी सारी अच्छी बातें नोटिस कर रही है, हमारे पेशेंट्स को जब भी कोई चीज मिल जाएगी ना, वो इतने नाइस नहीं होंगे कि वो चिड़चिड़े हो जाएंगे, उनमें तलखी आ जाएगी, उनमें रेस्टलेसनेस, गुस्सा हो जाएगा, तो वो इतने भी नाइस नहीं हो सकते। अगर नाइस होएंगे तो 24 hours, 48 hours के लिए नाइस होएंगे, उसके बाद उनका रूप जो है ना वो आ जाएगा, क्योंकि ड्रग्स उनको नाइस नहीं कर रही है, वो नाइस वाली स्टेज निकल गई है। देयर यूज टू बी ए स्टेज जब पेशेंट्स हमारे ड्रग्स लेते थे वो नाइस हो जाते थे, हम्बल हो जाते थे, ह्यूमिलिटी आ जाती थी, अब तो ये लेते हैं तो अंदर से मतलब ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसपे वो काफ़ी आपको बता देंगे कि आज मैंने
मतलब किया है। तो तंग करने वाले आप नहीं हैं, तंग करने वाली कोई और चीज है। नहीं, हम बहुत दिन हो गए, मुझे नहीं गया हूँ, कल जाऊँ। ठीक है, पापा को ना अब फिर से गवर्नमेंट बना रहे हो पापा, उनको अच्छा नहीं लग रहा तो हमने वैलिडेट करना है। अच्छा, आई कैन अंडरस्टैंड। उनको ना बोलो मीटिंग पे आने को, आप खुद आ जाओ, बस वही बहुत है। आप खुद आओगे ना तो उनके आपने वैलिडेट डूट करना है। अच्छा, आपको नहीं अच्छा लग रहा, कोई बात, आई कैन अंडरस्टैंड, बट ट्रेन यू आर गोइंग थ्रू, सो मैं होके आती हूँ, मैं वहाँ से कोई मैसेज लेके आती हूँ, फिर आपके साथ आके शेयर करती हूँ। तो आपने उस चीज़ को एक पॉजिटिव रूप दे दिया, तो हमने वैलिडेट जरूर करना। जो अच्छा, जो कोई इंसान जैसा महसूस कर रहा है उसको लिसन टू इट एंड फील द अंडरस्टैंड करें। ठीक है सर, अगर पेशेंट जा भी रहा हो तो उन्हें जावे तावेट करनी चाहिए ये बेनिफिट द रिस्क तुहानू रोज देखना पड़ेगा कि केड़ा रिस्क है, असीं कित्थों तक बर्दाश्त कर सकते हैं। जे इस तो अगे जान का रिस्क हैगा जां लाइफ थ्रैटनिंग है कोई चीज़, तो वी कैन डू क्राइसिस इंटरवेंशन। बट इफ वी सी द थिंग्स आर नॉट एज बैड एंड वी कैन वेट टिल टुमारो और डे आफ्टर, तो देन वी कैन टेक गिव एंड टेक। इट इज़ ऑल जजमेंट, दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी प्रोसेस इंटरवेंशन और क्राइसिस इंटरवेंशन में यही फ़र्क होता है। ये हम प्रोसेस इंटरवेंशन टीच कर रहे हैं कि आएगा एक दिन जब ये करना शुरू कर। अगर उनका कुछ ऐसी चीज़ होती कि जो हम कहते कि आज ना पहुंचा तो ये कौन, तो फिर हम क्राइसिस इंटरवेंशन करते, फिर वहाँ से हम उठा के ले आते। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इंटरवेंशन की स्टेज में आती हैं। ठीक है, तो फैमिली आके शेयर करती है तो फिर हम इवेलुएट करते हैं कि कितनी क्राइसिस है। अगर तो ये एक दिन चीज़ चेंज होने वाली है, अभी कोई थ्रेट नहीं है ऐसा कोई इमीडिएट, तो फिर हम वी कैन टेक टाइम। हाँ जी, कोई खास किसी तक कोई क्वेश्चन? सर, जैसे मैं मीटिंग करवा रही हूँ अपने के लिए, एक महीने हो गए हैं, आप यहाँ कितना टाइम? आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, तुसी तकरीबन 70-80% तुसी अगेन और प्रोग्रेस कर गए हो, राइट, एंड तुसी अपनी रिस्पोंसिबिलिटी ली हुई है ठीक करन दी। आई होप के तुहानू रिस्पोंसिबिलिटी लैन की आदत पै जाएगी, तुसी घर जाके भी इस तरह की रिस्पोंसिबिलिटी लोगे। जिस दिन थानू थोड़ा जिहा फेथ डिवेलप हो जाएगा ना कि तुसी रिस्पोंसिबिलिटीज घर जाके भी यही लोगे, असीं तुहानू उस दिन भेज देंगे। मैं रोज़ एवेल्यूएट कर रहा एंड मैं तुहानू अर्ली एज पॉसीबल भेजना चाहना। मैनू आइडिया नहीं हाले हो सकता, पर मंडे नू असीं एवेल्यूएट करांगे, मंडे नू एवेल्यूएट करांगे। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ जी, दे आर द सेम, दे आर द सेम। माइक्रो एडिक्शंस भी वही चीज़ें हैं जो हमारे मतलब साथ चमड़ी हुई हैं, जो हमारे सॉफ्टवेयर में आप कह लो ना मॉलवेयर्स बन गई हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब करेक्टर डिफेक्ट्स आर दिल अजारियाँ जो हम अपनी भी करते हैं लोगों की भी करते हैं। तो एक ही चीज़ है, ऑलमोस्ट सेम थिंग है। तो एक एक जैसे लाइंग है वो करेक्टर डिफेक्ट है, करेक्टर डिफेक्ट ना छोटे छोटे से होते हैं, लाइंग, एंगर, हॉस्टेलिटी आप में आ जाती है, सीक्रेट लाइफ, आपको कोई अल्टरनेटिव क्रॉस एडिक्शन ढूंढते रहना, कोई ना कोई क्रॉस एडिक्शन करने की एक तमन्ना सी रखनी कि शायद एक चीज़ आएगी जो मेरे को मज़ा देगी और मेरी एम्प्टीनेस को ख़त्म करेगी। तो कभी किसी चीज़ पे डिपेंड कर देना, कभी किसी चीज़ पे डिपेंड कर देना, कोई ना कोई चीज़ ऐसी डिपेंडेंस वाली ढूंढते रहना, ये सारी एक ही चीज़ है। यू कैन से कि माइक्रो एडिक्शन, जरा मतलब सात माइक्रो एडिक्शन को हमने डिफाइन किया हुआ है,
करेक्टर डिफेक्ट छोटे छोटे रोज आते रहते हैं, जैसे लेजीनेस ही है, बड़ा बहुत बड़ा करेक्टर डिफेक्ट है। लाइंग सबसे बड़ा करेक्टर डिफेक्ट है, झूठ बोलना, चीज़ों को हाइड करना, रियलिटी को नाम अच्छी तरह से कर सकता अपनी डर के वजह से। करेक्टर डिफेक्ट तो बच्चे सारी, हाँ, 7 माइक्रो एडिक्शन, यस, हमने उनको डिफाइन किया हुआ है कंसाइज करने के लिए। ये मतलब पता हो ना कि आपको ये 7 क्वेश्चन है तो आपको आइडेंटिफाई होता है इस टाइम में इस चीज़ से गुजर रहा हूँ, इस टाइम पे ये मेरे पे हावी हुई है। ये बाद में बड़ी मन की एडिक्शन बन जाती हैं, और ये करेक्टर डिफेक्ट्स और माइक्रो एडिक्शन यही चीज़ है, ये आपको हमेशा से एक नॉर्मल लाइफ नहीं जीने देती, एक सोबर लाइफ नहीं जीने देती, लेकिन जाती एक एक करके ही आहिस्ता आहिस्ता से। मतलब होती किसी ना किसी टाइम में हमारे लिए इसने इन्होंने काम किया होता है, कभी ना कभी फ़ायदा पहुँचाया होता है, लेकिन इस टाइम पे वो गले का फंदा बन गई है। मतलब होता है ना कोई चीज़, आप स्कार्फ बढ़िया सा लाओ और वो आप पहले टॉर्च से डालो और आप उसको एंजॉय करो कि एज ए फैशन ट्रेंड है, ठीक है, तो वो एक दिन आपके गले का फंदा बन जाए तो फिर वो करेक्टर डिफेक्ट बन गया, जब माइक्रो एडिक्शन करेक्टर डिफेक्ट बन गया। होती वही चीज़ें हैं जो हम पहले उससे फ़ायदा उठाते हैं। मतलब मैं तुम थोड़ा जहा होर एक्सप्लेन कर दा, तुहाडा क्लीयर कलैरिटी बढ़ जाएगी। स्ट्रैस कोप करन वास्ते जेडे साडे डिफेंस मैकेनिज्म काम करते हैं अनकॉन्शियसली, वो साडियां माइक्रो एडिक्शन होंगे। स्ट्रैस लाइफ स्ट्रैसेस नू कोप करन वास्ते जिस तरह साडा ब्रेन या माइंड काम करता है तो वह अनकॉन्शियसली ओपरेट करता है थ्रू डिफेंस मैकेनिज्म, वो साडियां माइक्रो एडिक्शन होंगे। होंदियां स्ट्रैस कोपिंग मैकेनिज्म है, बट दे आर अनहेल्दी वेज ऑफ कोपिंग विद द स्ट्रैस, सो दे बिकम माइक्रो एडिक्शंस। ठीक है सर, बेसिकली ब्रॉडर टर्म हो गई करेक्टर डिफेक्ट्स और उसके अंदर एक सब टाइप आ गई माइक्रो एडिक्शन। माइक्रो एडिक्शन इनविजिबल इनविजिबल माइक्रो एडिक्शन इनविजिबल, साडे अंदर कुछ चीज़ा आ जानी है जड़ियाँ के असं ओपरेट भी कर रहे होंगे पर सू दिख नहीं रही होंगी, दिख नहीं रही होंगी सू दिखनिया नहीं हो, हाँ उन्होंने जो रिजल्ट नहीं अच्छे आते फिर असं देखते हैं अच्छा यार ए चीज़ मैं की सी जिदे करके मेरे ना अज नुकसान हो। जी हाँ, फर्स्ट स्टेप ये है कि हमने ये अपने अंदर आइडेंटिफाई करनी है। फीयरलैस इन्वेंट्री, फीयरलैस इन्वेंट्री, क्रूअल ऑनेस्टी, फीयरलैस इन्वेंट्री। फीयरलैस वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप डरो ना यार, अपने करैक्टर डिफेक्ट दिखाने कोई मतलब छोटा मोटा काम नहीं है, बंदे को बड़ी करेज चाहिए, है ना जी? बिल्कुल, ठीक है ना। सो फीयरलैस इन्वेंट्री आप लिखो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, दुनिया नाराज होती हो जाए, दुनिया साढ़े बारे जो मर्जी सोचे, आई हैव टू गेट रिड ऑफ ऑल दिस, क्योंकि मेरे को अपनी लाइफ की पड़ी है, मैं आपका क्या सोचूँ। मतलब ऐसा एक इंसान का फर्स्ट स्टेप इज टू मेंड आवर ओन हेल्थ। हाँ, फर्स्ट इज माई हेल्थ, अगर मैं ही नहीं हूँ तो फिर मैं आप क्या हो, बाकी एवरीथिंग इज, तो आप तो मेरी वजह से ही हो ना, फिर पहला मैं ठीक हाँ तो फिर तुसी हो। तो फर्स्ट लव इज बेटे फिर द माई सेल्फ, ठीक है, हमने अपने आप को चाती मारनी है, ये सबसे औखा काम है, लोगों पे तो चाती बाजी जाएगी।